मेष, आज दिन भर का समय स्नेही जनों और मित्रों के साथ आनंद प्रमोद में बीतेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। खर्च अधिक होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, वाणी और व्यवहार पर भी संयम रखिएगा। वृषभ, व्यवसायियों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायी है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। मध्याह्न के बाद मनोरंजन का आनंद लूट सकेंगे, छोटे से प्रवास या पर्यटन का आयोजन होगा, भागीदारों के साथ संभल कर कार्य करना। मिथुन, गणेश जी कहते हैं कि आज का दिन मध्यम फलदायी है, मानसिक रूप से आज प्रफुल्लता का अनुभव करेंगे, शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, व्यवसाय में सहयोगियों का पूरा सहकार मिलेगा, आर्थिक रूप से लाभ होगा। कर्क, आपकी हताशा मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से आपको व्यग्र बनाएगी, माता का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, वैचारिक स्तर पर विचलित न होने की गणेश जी की सलाह है, नए कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना कम है। सिंह, आज धार्मिक यात्रा होने की संभावना है, ऐसे संकेत गणेश जी देते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्थावर संपत्ति से संबंधित दस्तावेज करने के लिए आज का दिन ना चुने तो अच्छा रहेगा, माता के स्वास्थ्य के विषय में ध्यान रखिएगा। कन्या, किसी भी प्रकार के निर्णयात्मक स्थिति पर पहुंचने के कारण नए कार्य का प्रारंभ करना उचित नहीं है, घर के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषयों में निर्णय लेंगे, पूंजी निवेश करना आज आपके हित में रहेगा, भाग्य वृद्धि का दिन है। तुला, समतोल और दृढ़ वैचारिकता के साथ आज के दिन का प्रारंभ होगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। अपने अहम भाव को महत्व दिए बिना अन्य लोगों के प्रति भी ध्यान रखकर उनके साथ समझौता कर लेना उचित रहेगा, ऐसा गणेश जी कहते हैं। वृश्चिक, आध्यात्मिक और ईश्वर की भक्ति से आज मन को शांति प्राप्त होगी, ऐसा गणेश जी कहते हैं। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती जाएगी, आनंद प्रमोद या मनोरंजन के पीछे धन का खर्च होगा। धनु, आज का दिन आपकी आय में वृद्धि और लाभ देने का सूचन करता है, मान सम्मान एवं आय में वृद्धि होगी, व्यापार से लाभ होने की संभावना है, वाणी पर संयम बरतिएगा, किसी से तकरार ना हो इसका ध्यान रखिएगा। मकर, स्थावर संपत्ति का दस्तावेज करने हेतु आज का दिन अच्छा है, ऐसा गणेश जी कहते हैं। पदोन्नति के योग है, परिवार में वातावरण आनंदपूर्ण रहेगा, मित्रों से भी लाभ होने की संभावना है। कुंभ, आज के दिन व्यवसायिक वर्ग के लिए संभल कर चलना आवश्यक है, मध्याह्न के बाद व्यवसायिक स्थल पर वातावरण अनुकूल रहेगा, व्यवसायिक क्षेत्र में अधिकारी वर्ग आपके कार्य से प्रसन्न रहेगा। मीन, किसी के साथ वाद विवाद या तकरार न करने की गणेश जी सलाह देते हैं। मध्याह्न के बाद समय कुछ अनुकूल होता दिखेगा, बौद्धिक रूप से लेखन कार्य में आप सक्रिय रह पाएंगे, अधिकारी वर्ग के साथ चर्चा और वाद विवाद टालिएगा।